और विवान ने फाइनली एक VRS परचेज कर लिया है। एंड इस गाड़ी का स्टेज 3 TCU होने वाला है गाइज। ये गाड़ी जो है सुशांत सिंह राजपूत की है। मैं चलाऊंगा। Hi guys and welcome to another vlog। आज हम आए हैं ऑटो बाइक पे। यहाँ पे फाइनली आप विवान को बहुत टाइम के बाद देख रहे हो। भाई तू कहाँ गया है यार? भाई पेपर उसके बाद ले, पेपर के बाद ले, और पेपर में पेपर ने इसकी ले ली और ले ने इसके पेट की ले ली भाई। वो आ जाके बीमार हो गया। इसका पूरा व्लॉग बनना था, व्लॉग भी इसका आधा अधूरा ही रह गया। बेचारे ने कोशिश करी थी बट क्या कर सकते हैं, अब अच्छा नहीं बनाया। और विवान ने फाइनली एक VRS परचेज कर ली है एंड ये गाड़ी जो है इससे उज्ज्वल चली है। कॉन्ग्रेट्स यार, थैंक यू ब्रो। और इसकी VRS जो है वो यहाँ पे नहीं खड़ी, वो अंदर खड़ी हुई है। वो खड़ी इसकी VRS, वो तो 1.8 है भाई। 1.8 VRS इसकी, जिसके अंदर काम हो रहा है कुछ। फाइनली इसने अपनी गाड़ी के अंदर कुछ काम कराना स्टार्ट कर दिया है। तो इसकी गाड़ी के अंदर अभी आप सबको बताइए कि स्टेज 1 थी पहले, फिर गाड़ी का ट्रांसमिशन जो है उसने थोड़ा सा जवाब दे दिया। ट्रांसमिशन चेंज हो गया, गाड़ी का तो स्टॉक हो गई, गाड़ी पूरी स्टॉक हो गई गाड़ी इसकी। इसकी गाड़ी इसने कंपनी से दोबारा से ट्रांसमिशन इसने स्वॉप किया, नया लगवा लिया। गाड़ी इसकी ये खड़ी है। फाइनली फर्स्ट मॉडिफिकेशन आफ्टर द न्यू ट्रांसमिशन इसकी गाड़ी का आज हो रहा है, जो कि है एक कैडबैक एग्जॉस्ट कस्टम ही है बेसिकली विद VRS रेजोनेटर, VRS रेजोनेटर के साथ। एंड इसकी आवाज जो है काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। तूने सुनी नहीं है ना? मैंने नहीं सुनी अभी तक। कांड भी कर रहा है वो तो बता दे। हाँ, और बेसिकली अब मैं आपको दिखाई देता हूँ हुआ क्या है और ये क्या क्या यहाँ कैसे आ गए भाई। है डॉल्फिन, परमिशन किसने दी इसके यहाँ पे आने की? गाइस मैंने आज पहली बार नोट किया कि ना वरना की लुक ना जैसे जो सेकंड जन सिटी होती है ना वैसी सी है, थोड़ी डॉल्फिन जैसी। हाँ, हाँ, हाँ। लग रही है थोड़ी डॉल्फिन जैसी। बड़े बड़े यूट्यूबर। प्रणाम भैया, प्रणाम, कैसे हो? मैं आपका आशीर्वाद। ये क्या कर रहा है भाई? आइए आइए। अलाउ कैसे करिए अंदर एंट्री? पता नहीं यार, मैं अंदर क्या बैठा था यार। यार उसको नवीन को मना कर यार, कमेंट्स में बताना आप एग्री करते हो या नहीं। कि बुरे सेंस में नहीं बोल रहा, मैं हेट में नहीं कह रहा, जनरली बोल रहा हूँ कि मेरे को थोड़ी डॉल्फिन जैसी लुक लग रही है सेकंड जन सिटी। हाँ, जो BMW से इंस्पायर्ड थी। हाँ, सिटीज तो सारी BMW से इंस्पायर्ड होती है। वैसे मैं वही बोल रहा हूँ। इसके अंदर तो ज्यादा मुझे लग नहीं रहा, मुझे लग रहा है कि ये रहने वाली है। टायर ही निकल के लग रहे होंगे, इससे ज्यादा क्या होगा इस गाड़ी के अंदर। मॉडिफिकेशन में क्या हो सकता है, ट्यूनर्स भी नहीं ट्यून करते यार इसको तो। और मिनी तो ये पिछली बार भी खड़ी थी, आज भी खड़ी हुई है, पेंट हो गया इसका। एक ये कंपास भी खड़ी हुई है विवान की फेवरेट, और साथ में एक यहाँ पे वेस्ट बंगाल नंबर की 330i खड़ी हुई है। एंड विवान की गाड़ी की एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, किया क्या है इसने काम। तो बेसिकली इसकी जो गाड़ी थी इसके अंदर आधा काम कल हो चुका है, आधा काम आज होने वाला है। और इसका काम जो है मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये जो रेजोनेटर है ये VRS का है। मेरी गाड़ी का रेजोनेटर बहुत बड़ा था, इसके काफी स्पेस है, कितना यहाँ से अभी जस्ट रेजोनेटर हटा है। हाँ, और VRS का लगा है, और मेरा जो यहाँ पर मफलर था। हाँ, वो हटा बस, और मफलर हटा के इसने गाड़ी चलाई कल से आज तक, जिसकी वजह से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे शायद समझ आ जाए। बम्पर मैं फोटो भेज दूंगा, वो लगा दियो। बम्पर इसके मेल्ट हो चुके हैं। ये क्या था, ये पाइप अभी नीचे हुई है, पहले स्ट्रेट थी। हाँ, और मैंने 160-170 में पेल के यहाँ पर सारा, जबकि इसको मना किया था कल। हाँ यार, कि लेके मत जा गाड़ी, हीट आ गई उसकी वजह से थोड़ा सा पिघल गया। और एक बार यहाँ से हल्का सा दिख रहा है पिघल हुआ, ये देखो यहाँ दिख रहा होगा आपको कि ये थोड़ा सा मेल्ट हो चुका है यहाँ से। तो ये सब इसी वजह से, वरना मेरे को सांस अटकी पड़ी थी, मैं 5:45 तक सोया ही नहीं था रात को। हीट एमिट हुई यहाँ से और फिर ये बम्पर थोड़ा सा पिघल गया, अब उसका तो कुछ कर नहीं सकते। इंश्योरेंस के लिए 3-4 बार बोल दिया था रोहित ने भी, मैंने भी बोला था इसको कि इंश्योरेंस करवा ले, खुद ही पे करनी पड़ेगी उसके बाद। फिर गियरबॉक्स, इन सब गाड़ियों में ना अगर गाड़ी खुद से कुछ खर्चा मांग लेना फिर आप गाड़ी को मॉड नहीं कर सकते, वो सारे पैसे वहाँ चले जाते हैं। 3.5 लाख रुपए तो वैसे ही लग गए थे। हाँ, गाड़ी का इसका काम हो रहा है। और एक बहुत आइकॉनिक गाड़ी जिन लोगों ने कभी देख लिया हो, ये खड़ी पोलो GTI। एंड ये गाड़ी जो है ये भी एक बहुत स्पेसिफिक बहुत अच्छे मॉडल के लिए आई हुई है, स्टेज 4 TCU एंड स्टेज 1 केवलर चल रहा है। पहले से ही स्टेज 1 इसमें सेम में आता है, तो मेरी में था TVS का स्टेज 1 ECU, स्टेज 4 रेस क्लच के लिए केवलर क्लच डल रहा है, TCU डल रहा है इसका गाड़ी का। एंड गाड़ी ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये डोर्स हम स्पेकुलेट कर रहे हैं कि पसाट के हैं, क्योंकि इतने बड़े दरवाजे तो पोलो के साथ आते ही नहीं थे, जेटा के साथ भी इतने बड़े नहीं आते थे, इसी ने किया। मैं तो जेटा की सोच रहा था होंगे शायद, आप बताना गाइस अगर किसी को नॉलेज हो ये पसाट के। हाँ, ये पसाट के हैं या फिर जेटा के हैं, या ये स्पेसिफिक ऐसे या इसी के लिए बनाए हुए हैं। और इसका इंटीरियर जो है ना देखने में सेम आपको लग रहा होगा कि ऑर्डिनरी पोलो जैसा है, बट ये सारा सॉफ्ट टच है एंड ये बहुत हाई क्वालिटी का सॉफ्ट टच है।
इसके जो डायल्स हैं वो सारे एनालॉग जो है डिफरेंट है, 280 मीटर तक की इसकी टॉप स्पीड है, काफ़ी सारे चेंजेस है गाड़ी के अंदर, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है गाड़ी। एंड बकेट सीट्स है, प्रॉपर रेसिंग सीट्स है गाड़ी की। दो पावर विंडो कंट्रोल्स क्योंकि फ्रंट में ही दरवाजे हैं, रेयर में तो डोर्स नहीं है, तो इस वजह से ये गाड़ी जो है बहुत आइकॉनिक है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड थर्ड भी बहुत डिफरेंट है। एंड द मोस्ट स्पेशल बिट अबाउट दिस कार इज कि इसका इंजन जो है 1.8 लीटर TSI है, सेम यही ऑक्टावे वाला, इसी जनरेशन के ऑक्टावे वाला। एंड ये गाड़ी इस इंजन के साथ एक ट्रू पॉकेट रॉकेट है, एंड ये इसको डिफाई कर देती है मिनी कूपर के सेगमेंट की। परफेक्ट गाड़ी, एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ, राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस एकदम परफेक्ट है, सस्पेंशन एकदम बहुत मस्त है इस गाड़ी का, सब कुछ बहुत अच्छा है। एंड उज्जवल ने इस गाड़ी की कीमत लगा दी है 18 लाख रुपये, 18 लाख में ले रहा ना ये, बस जल्दी कर देंगे काम, जल्दी कर देंगे। 150 रुपये देगा, क्या देगा, किस चीज़ के लिए, गाड़ी के, इसके लिए। अच्छा ठीक है, गाड़ी के लिए ले लियो, तू अपने लिए ले लियो। ये बुशेज है ना, ये बुशेज है, सेम के बुश है यार, ये तेरे में लगा दूँ, ये बुश होती होगी, ये इसका ढक्कन है, नीचे बुश नहीं होता है यहाँ पर, क्या होता है यहाँ पर, माउंट होता है उसके, फैक्ट्री के साथ मेरी गाड़ी के अंदर नहीं आती है। डैम ब्रो, उट्स आउट 192 ना, आई डोंट हैव मच नॉलेज, यू मस्ट बी बिजी विद अदर थिंग्स, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। बहुत ज्यादा अच्छी है, 99 यूनिट फर्स्ट लॉट में आए थे, फिर 100 यूनिट और आए थे, और उसके बाद 100-200 और यूनिट और आए थे, लेंसोस पे है ये गाड़ी, एंड बहुत ज़्यादा अच्छी है। गाइस अभी इस GTI को स्टार्ट करने वाला हूँ, आवाज तो नॉर्मल ही आ रही है, स्टॉक एग्जॉस्ट है, स्टॉक 1.8 वाली आ रही है, स्टॉक 1.8 से हल्की सी, स्टॉक 1.8 से तो लगेगा क्योंकि एग्जॉस्ट छोटा है ना। हाँ स्टॉक VRS जैसे ही है, स्टॉक VRS जैसे ही है, रिप करता हूँ, राइट नहीं आवाज़ राइसर नहीं है भाई, ये भागती है, राइसर नहीं है मतलब वेट की राइसर है, अबे देखो राइसर है। गाइज एक बार मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर चीज़ें जो जो डिफरेंट है। इसके जो डिजिटल डायल है सेंटर वाला, ये भी जटा वाला है, एंड यहाँ पे इसको ये जो फिनिश है ये भी डिफरेंट है, और नॉर्मल वेंटो वाली फिनिश नहीं है, ये भी क्वालिटी में डिफरेंस है, प्लस ये भी। हाँ रिवील कर दूँ मैं लॉरा का रिप्लेसमेंट। अरे भाई यार तू क्यों बोल रहा है वीडियो में ये सब, गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा ये बोल रहा है, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गाड़ी नहीं ले रहा मैं। 1.8 मेरे पास है, रोहित के पास भी आ रहा है, और हर कुछ तो अलग लाएगा ना। अब यार मैं यार ये सब चीज़ें मत बोला कर यार, लेकिन ये गाड़ी बहुत अच्छी है यार, इसकी ना सीट्स भी बहुत डिफरेंट है, मज़ा आता है यार इस गाड़ी के अंदर, जब भी बैठो ना, जब भी चलाओ इस गाड़ी को, वो तो खैर ऑन कैमरा नहीं चलाने वाला मैं ये गाड़ी, बट ऑफ कैमरा जब भी चलाई ना ये गाड़ी बहुत अच्छी है, मज़ेदार, मज़ा आ जाता है इस गाड़ी को चला के, ऐसे डार्ट करती है ना ये, कॉर्नर को होल्ड करके रखती है। लास्ट टाइम जब उसकी गाड़ी से मैंने वान की गाड़ी से रेस लगाई थी, इस गाड़ी से बहुत अच्छी थी यार, इसकी गाड़ी हार गई थी स्टॉक थी उस टाइम पे, बट वही है पावर टू वेट रेशियो का फर्क पड़ जाता है, हार तो गई थी उस दिन। ये 177 BHP के ट्यून में आती है, 189 BHP के ट्यून में आती है, वो डिफरेंस जो कह रहा है। 177 हाँ वही वेट, पावर टू वेट रेशो। ये गाड़ी लगती भी तो एक पीछे से कोई नहीं बता सकते कि इतनी ज़्यादा तेज़ गाड़ी होगी, इसीलिए ये गाड़ी बिकी नहीं। आजकल तो वैसे भी सबने GTI में आ गई है। हाँ सबने GTI बैजिंग लगवा रखी है, और जबकि एक ट्रू GTI जो होती है वो अलग ही चीज़ होती है, MPI भी GTI बैजिंग होती है। रियल डील जो है ना, VRS के अलावा अगर आपको कोई गाड़ी चाहिए तो दिस इज़ द रियल डील। देखो इसके नए कॉल बैक्स ब्लू कलर के RS3 के डक्ट्स, देखो ऐसे लग जाएंगे, मस्त लगेंगे, मस्त लग रहे है ना, तेरा ही माल है, खोल ले भाई, चिंता मत कर मैंने एडिट करना है, क्या हो रहा है ये टिम्बरलैंड गाड़ी ठंडी बहुत अच्छी, हाँ अरे खींचना है अपन, बीच से पकड़ना नहीं पड़ रहा, खराब हो गया
बच्चे अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं? हाँ वहाँ पता लगा मैं ही नहीं लगा लेता म्यूट करती हो सिंस डैमेज क्यों जाएगी तू पागल लगा ले क्या हाँ आगे काम से भाई फिंस तो फोल्डेड है भाई अभी तो पागल वागल है क्या खोल दे इनको एक काम कौन सा देश से आए इंटरस्टाइन की तरह गाइस आप लोगों को नहीं पता होगा रोहित लेकिन प्लास्टिक सर्जन है और इंटेस्टाइन्स की आज रिसेंटली एक सर्जरी करी थी एक बंदे के साथ ब्लंडर कर दिया था तो कैची अच्छा वो इसी की उसी की थी अच्छा अच्छा अरे भाई वाह सुंदर लग रहा है डिग्री से अच्छा लग रहा है तेरी डिग्री से अच्छा लग रहा है इसको घर पे से जा ले क्या रख रहे हैं सुबह क्यों रहा अंदर एपीआर थ्रॉटल कंट्रोलर है और ये क्या आई कैन शो दैट वो पीछे क्या है व्हाइट बॉक्सेस में ये वाले एपीआर के दीस बॉक्सेस दीस ओह शिट गॉड डैम इट विंड बूस्टर न्यू वरना ये तो वरना न्यू वरना अरे भाई साहब अरे जिमनी का भी है वाह भाई वाह तू लगवा ले विंड बूस्टर ऑक्टाविया में एक ऑक्टाविया उन्होंने डाल रखा है बड़ी तारीफ करते हैं वो कौन हाँ भाई तो एडिट कर दियो कोई नहीं रोहित के मुंह से तो सही है रोहित के कस्टमर थोड़ा ना है हाँ A few moments later ओरा भाई कहाँ लगा रहे सिग्नल लाइटर मेरे को ऑफिस दे मेरा कहाँ है घुमा दिया था जो बिलेट एल्यूमिनियम भाई ये क्या बात है बिलेट एल्यूमिनियम है इसको ऐसे करके देखना वो समझ आ रहा है भाई उसके उससे टेक्सचर से फुल सेंड खड़ी है ना काले रंग की गाड़ी कौन सी गाड़ी है उसको हटा दो कौन सी अच्छा वर वो आई क्यों है ये तो बता दे उसका काम क्या हो रहा है यार कुछ पिकअप की प्रॉब्लम है वो हर गाड़ी की नहीं है वो है ही तो मैं समझा पा नहीं पा रहा मैं विंड बूस्टर लगा रहा हूं अच्छा विंड बूस्टर लगा दे उसमें मैं उसको बोल रहा हूं कि इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट बट ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट और गाइस दूसरी चीज इस गाड़ी के अंदर जो हमने ये बीच में 32,000 रुपए का डंडा लगवाया था ये डंडा भी उतरने वाला है क्योंकि रोहित जो है इतनी अच्छी हैंडलिंग भाई हैंडल नहीं कर पा रहा 32,000 का डंडा लगा निकाल के 6,000 का सिगरेट लाइटर लगाया हां 6,000 का सिगरेट लाइटर लगाया इसने ये निकाल के गुड ट्रेड ऑफ ब्रदर ये इसलिए निकल रहा है क्योंकि जैसा मैंने आपको वीडियो में भी बताया था लास्ट व्लॉग था शायद उसके अंदर सबने देखा था कि गाड़ी जो है एकदम खींच के घुस रही थी लेंस के अंदर फ्रंट एंड एकदम स्लिप हो गया था एकदम परफेक्टली हैंडल कर रही थी लेकिन रियर एंड उतना ही फ्लोटी हो गया था और रियर से गाड़ी ऐसे 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 स्लिप हो रही थी तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अब इसको हम निकाल रहे हैं दोबारा एंड एक्सप्रेस चलाओ एक बार फिर पता चलेगा फ्लोटी क्या है हाँ तो 1.8 चला भाई फिर तेरे को लगेगा ओ भाई मैंने वही बेची है शायद दिस इज गॉडली कार तो अब ये निकल रहा है एक्सप्रेस जो लगवाने का प्लान था वो नहीं हो रहा एक्सप्रेस नहीं लग रहा एंड साथ ही साथ इसके जो एपीआर के कॉइल बैग्स हैं उज्जवल ने रोहित को गिफ्ट किए हैं उज्जवल आजकल काफी अच्छी अच्छी चीजें कर रहा है बहुत जेनरस ह्यूमन बीइंग बन चुका है वो और ये ब्लू कलर के इसने मंगाए क्योंकि यूजुअली लोग जो है रेड कलर में लगवाते हैं ये इसने सोचा कि गाड़ी की स्कीम से मैच होगा पेंट स्कीम से इतने सुंदर लग रहे हैं यार ये देखो यार बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं ओए रोहित हटियो एक बारी भाई यार ये तो मेरा भी मन कर रहा है लगवाने मुझे इसकी फोटो कितना सुंदर लग रहा है यार ये बहुत सुंदर लग रहा है और ये फाइनली अब इस गाड़ी के अंदर लग रहा है RS3 के ऑलरेडी लगे हुए हैं RS3 के ऑलरेडी लगे हैं RS3 बीच में इसने और कौन सी RS3 आती है लोगों को पता नहीं ना नहीं नहीं मिसफायर नहीं मार रहे इससे लेकिन 8-10 BHP कम हो गई थी ऐसा इसने बनाया था ये थोड़ी और बेटर आउटपुट निकालते हैं इस वजह से है ना ब्लू कलर की तू सिल्वर कलर के लगाई हो सिल्वर आते नहीं ना नाडो यार पेंट करा दियो उज्जवल पेंट कर देगा पहले तो डिफ्यूजर पेंट करूंगा और ये तो 50 शेड तो सिल्वर वाली पड़ी है गाड़ी सही में यार इसकी गाड़ी ना बहुत अलग अलग रंग की हुई पड़ी है वैसे पता है अपडेट किसी भी साउथ दिल्ली गर्ल से ज्यादा रंग इसकी गाड़ी में होती है फ्रंट का ये बाहर निकल रहा है उसके बाद हैंडलिंग पहले जैसी हो जाएगी जो कि बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से एकदम परफेक्ट हैंडलिंग बैलेंस था जो मनदीप भैया ने सेट करके दिया था बट रोहित ने उसको थोड़ा सा छेड़ के खराब कर दिया अब वो हट रहा है वापस से अच्छी होने वाली है हैंडलिंग एंड साथ ही में इसके ब्लू कलर के APR के कॉल बैक्स आ गए हैं जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं वाह यार वाह और अब ये दोनों काम इसके अंदर है और एक तीसरा सबसे बड़ा मोड जो इस गाड़ी के अंदर हुआ है 12-13 BHP बढ़ चुका है इससे ऑलरेडी 380 BHP प्रोड्यूसिंग कार का ये रहा वो मोड फुल सेंड इसको प्रेस करके आपको ये वैसे बहुत लोग नॉस के बटन्स लगाते हैं इसने फुल सेंड का लगाया इससे बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती है आप लोग खुद लगा के देखना इससे किसी भी गाड़ी में लग जाएगी यूनिवर्सल है ये एंड साथ ही में नियोस में भी अभी लगाए i10 नियोस पीछे और क्या उतार उसको
इसकी गाड़ी का काम हो चुका है, सिल्वर वाली का एग्जॉस्ट जो है उसकी टिप्स लगनी है, टिप्स उसने डिसाइड नहीं करी है, वो अभी नहीं लगी है। वो उज्जवल जो बताएगा सबसे अच्छी देगा, सबसे सस्ती देगा, वही लगाएगा ये। 12 seconds later. गाड़ी का फर्स्ट स्टार्ट होने वाला है आफ्टर द एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट तो नहीं है, खैर VRS रेजोनेटर हो गई है। एक बिल्कुल वो नहीं है, आवाज नहीं है। हां ना, ओबीडी से स्कैन किया था, मिसफायर नहीं है। VRS वाली आवाज है, बहुत बहुत OEM सी, एकदम सटल और एकदम परफेक्ट सी आवाज, जिसे कहते हैं ना वैसी आवाज आ रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। हाँ, VRS रेजोनेटर की वजह से हुआ है, मतलब एकदम जैसे कहते हैं ना परफेक्ट बैलेंस ऑफ स्पोर्टीनेस एंड सटलनेस, वो है इस गाड़ी का। एंड गाड़ी डेली ड्राइव कर सकते हैं, डेली ड्राइव कर सकते हो बिना परेशान हुए। प्लस ये गाड़ी वैसे भी स्लीपर है, तो स्लीपर वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को यहीं पे कंटिन्यूड रखते हैं, एंड इससे बहुत ज़्यादा गाड़ी के साथ वो चीज़ जा रही है बहुत ज़्यादा। कई गाड़ियों के साथ फ्लैशीनेस जाती है, इस गाड़ी के साथ वो बिल्कुल नहीं जाती, एंड अंडरस्टेटेडनेस मेंटेन्ड है इसकी वजह से। 1.8 की स्पेशली होता है, VRS फिर भी थोड़ी फ्लैशी है, ये ज़्यादा ही अंडरस्टेटेड। हाँ, ये बहुत अंडरस्टेटेड एलिगेंट कार है ना ये। This is a driver's car. Actual driver's car. Driver की कार है भाई। पकड़ इसको। नहीं मत पकड़। जनानी। ठीक है, मेरे को पता है ना। अबे हाँ, RS3 का चूत। चेक कर लिया था मैंने। आई बात नहीं है। Yeah. Lifetime warranty है यार। हाँ। एक बहुत ज्यादा अच्छा मॉडिफिकेशन होने वाला है इस VRS के अंदर। VRS के कॉल बैक्स तो चेंज हो चुके हैं, बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, इसका वो जो ब्रेस था वो भी निकल चुका है। अब जो मॉडिफिकेशन हो रहा है वो रोहित कर रहा है गाड़ी के अंदर, एंड इस गाड़ी का Stage 3 TCU होने वाला है। ये Stage 3 TCU जो है, Stage 3 क्यों करा रहे हैं ये तो बता। बिल्ट बाय रोहित का तब्बा चाहिए। एक बात बताओ तुम्हें, आज तुम इतना बोलते हो ना, इस गाड़ी का महीने का लाख रुपए का खर्चा है, तो बेल्ट मैं रोहित तोड़ना फिर भी तेल मिला। मैं कंपास बना रहूं तो ही नहीं, लेकिन ये खर्चे की बात है मेरे अब साथ। फाइनली इस गाड़ी के अंदर Stage 3 का जो TCU करवा रहा है, क्योंकि इसको रैली लॉन्च लेनी पड़ी थी। तो गाइस अभी ये इसको जो है बेसिकली गाड़ी ट्यून हो चुकी है। उस टाइम पे विवान और मैं जरा बाहर गए हुए थे तो हमने वो नहीं देखा, लेकिन गाड़ी ट्यून हो चुकी है, Stage 3 TCU हो चुका है इसका। एंड Stage 3 इसने इसलिए कराया क्योंकि इसको एक बार वो फील लेनी है कि एक बार कंप्लीट जो लॉन्च होता है वो करती है गाड़ी तो कैसे। और शायद से Stage 3 में रेड लाइन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। हाँ, रेड लाइन भी 7,000-7,600 के आसपास होता है भाई गाड़ी। तो वो बस एक बार हमें देखना है कि ये गाड़ी कैसे परफॉर्म करती है, एंड इसकी 100-200 की टाइमिंग में कितना फ़र्क आता है, तो वो एक बहुत क्रूशल चीज़ है जो नंबर चेज करता है। देखो Porsche आ गई सामने से, GT4 है। हाँ, GT4 लग रही है। रियल स्पोर्ट्स कार वर्सेस सूडो स्पोर्ट्स कार। GT4 ही है क्या ये? नहीं यार, इस पर लिखा क्या हुआ, कुछ और लिखा हुआ है। अच्छा, GT4 RS। अरे यार, एक तो शक्ल सेम रखते हैं ये, GT4 RS, पता ही नहीं चलता। अब जाते हैं एक बारी जल्दी से, देखते हैं कि इसके क्या लॉग्स आते हैं, क्या स्टैटिस्टिक्स आते हैं, एंड वहीं पर जाके देखेंगे कि गाड़ी की Stage 3 होने में कितना फर्क आया है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, फ्रॉम मी यू एंड यू वाला से तो बच के जाऊंगा। फ्रॉम मी है मैं सन वाला। इतना ही सीन है अभी यहाँ पे, इतना ही। अभी इसकी गाड़ी जो है उसको लेके निकलेंगे, इसकी तेरी गाड़ी की एक बार आवाज़ सुन लेते हैं ना, बाहर लेके चलते हैं एक बार, DSG फाट आएंगे कि नहीं आएंगे वो देख लेते हैं, और इसकी गाड़ी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। रोहित की गाड़ी तो खैर नहीं करने वाले, और उसके बाद फिर इस व्लॉग में एंड कर देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ है नहीं आज, और मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। आपको क्वालिटी देने चाहता हूँ ओवर क्वान्टिटी, इसलिए नंबर ऑफ़ व्लॉग्स भी जो है वो कम हो चुके हैं।
इतनी जल्दी जल्दी ब्लॉग्स नहीं डालता अब मैं महीने में 5-6-7-8 इतने ही डालता हूँ। तो अभी अंदर चलते हैं इसके और एक बार देखते हैं कि गाड़ी की आवाज़ कैसी आती है। गाइज ये गाड़ी जो है सुशांत सिंह राजपूत की है, ये नंबर चलो अभी नहीं दिख रहा आपको लेकिन जब नंबर था यहाँ उज्ज्वल ने हमें बताया कि सुशांत की गाड़ी थी और यहीं आती है काम के लिए, कुछ ज़्यादा है नहीं रेलिवेंस, बट इसकी गाड़ी जो है इसका काम हो चुका है। एक बार DSG पार्ट देखते हैं आते हैं कि नहीं आते गाड़ी के। ESC ऑफ, डैम ब्रो। ओ हाँ तीसरे मत खींच, दूसरे में ही खींच ले, डाउन शिफ्ट मार के 4,000 से 5,500 के बीच मारियो। हाँ छोटा सा सही है भाई, ये सटल सी आवाज है। हाँ भाई 5,000 के ऊपर मारियो उस बारी। हाँ भाई अच्छा लग रहा है, ओईएम लग रहा है, बिल्कुल ओईएम लग रहा है, इतनी कोई ज्यादा आवाज नहीं है और छोटा छोटा फाट मार रही है गाड़ी। हॉर्न दे दे दीदी को, दीदी ठुक जाओगी, विवान ठोक देगा, विवान ठोक देगा भाई। सही में मम्मी भी परेशान होगी अब तो मेरी, कह रही अबे कोई तो गर्लफ्रेंड बना ले, तीन तीन क्या ठोकने की बातें कर रहा है भाई, छी अबे यार लोअर उसमें मत शिफ्ट कर। हाँ ये छोटे छोटे से फाट्स मार रही है गाड़ी, बिल्कुल वही जो DSG फाट होते हैं। हाँ OEM वाले लग रहे हैं, OEM ही लग रहे हैं, फर्स्ट में डाल ले। हाँ बहुत छोटा छोटा मार रही है, फर्स्ट में नहीं मार रही। हाँ ये अच्छा था, रेस पे है, थ्रॉटल पे डिपेंड कर रहा है, अभी मैं थ्रॉटल पूरा नहीं दे रहा ना। हाँ बिल्कुल पार्ट थ्रॉटल है ये, हाफ सा। अच्छा इसलिए हो रहा है। हाँ छोटे छोटे फाट मार रही है, अच्छा लग रहा है सटल सा। पता क्यों? क्योंकि देखा जाए ना ये बिल्कुल OEM ही मॉड है। हमने VRS का रेजोनेटर लगा दिया, हमने ना ही कोई आफ्टर मार्केट मिलटेक नहीं लगाया, ना ही बॉर्नर लगाया, और सिर्फ रेजोनेट अपना मफलर हटा दिया। तो बेसिकली अगर जैसे कोई VRS ओनर होगा उसके लिए अगर वो अपने मफलर हटा देगा गाड़ी के तो उसके लिए भी सेम ही आवाज है, हमने कुछ बिल्कुल OEM मॉड कर दिया। ये तो सही है आवाज, एक बार ना इसको एक बार शीशा ऊपर करके सुन के देखते हैं उसमें कितनी आवाज आ रही है। ठीक आ रही है, कॉप्स की भी टेंशन नहीं, कॉप्स की नहीं है इसमें टेंशन। हाँ पता ही नहीं चलेगा, रेव करवा लो, ये तो नॉर्मल है भाई। क्या खा रहा है तू? पनीर का सैंडविच है, गार्लिक ब्रेड है, खा ले। पनीर ही है ना, मैं नॉनवेज नहीं खा सकता। हाँ पनीर है, ओए पनीर है ना ये, पनीर है। ठीक है ठीक है, एसटी हो ये देखो, इको स्कोर 44, कोई नेक्स्ट टाइम 100 होगा। मैं आया था 97 था। सो गाइस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अब सारा काम हो चुका है, जो दिखाना था सब कुछ दिखा चुका हम आपको। विवान की गाड़ी ये रही, रोहित ये बैठा उज्जवल के साथ, मैं विंटो, मैं विंटो, ये खड़ी मेरी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फ्रॉम मी एंड माय सन टू यू एंड योर्स, बाय बाय।